भारत का चीनी निर्यात चालू मार्केटिंग वर्ष 2021-22 में सालाना आधार पर 15.38% बढ़कर 75 लाख टन होने का अनुमान है। इसका कारण चीनी के वैश्विक उत्पादन में कमी के बीच भारतीय चीनी की मांग में वृद्धि की उम्मीद है। उद्योग निकाय इस्मा ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। देश ने अब तक 60 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए अनुबंध किया है, जबकि चालू विपणन वर्ष में फरवरी महीने तक 42 लाख टन चीनी का निर्यात किया जा चुका है। चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा के मुताबिक भारत चालू सत्र में 75 लाख टन चीनी का निर्यात करेगा, जबकि पहले अनुमान लगाया गया था कि 60 लाख टन चीनी का निर्यात होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से अधिक निर्यात होने की संभावना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ने अपनी रिपोर्ट में विपणन वर्ष 2021-22 अक्टूबर सितंबर में लगभग 19.3 लाख टन की वैश्विक कमी होने और निर्यातकों की अधिक भारतीय चीनी की खरीद की रुचि होने का संकेत दिया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय निर्यातकों के मार्च में 12 से 13 लाख टन का निर्यात करने और कुल निर्यात को 54 से 55 लाख टन तक ले जाने की संभावना है। नवीनतम चीनी उत्पादन के आंकड़ों को साझा करते हुए इस्मा ने कहा कि चालू विपणन वर्ष 2021-22 की अक्टूबर फरवरी अवधि के दौरान कुल उत्पादन 2.52 करोड़ लाख टन तक पहुँच गया, जो एक साल पहले की अवधि में 2.34 करोड़ लाख टन चीनी से 7.68% अधिक है। देश के शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन में इस विपणन वर्ष की अक्टूबर फरवरी की अवधि के दौरान 68.6 लाख टन रहा, जबकि एक साल पहले की अवधि में यहां 74.2 लाख टन का उत्पादन हुआ था। हालांकि देश के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन पहले के 84.84 लाख टन से बढ़कर 97.1 लाख टन हो गया। वहीं देश के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य कर्नाटक में अवधि के दौरान चीनी उत्पादन पहले के 40.8 लाख टन से बढ़कर 50.8 लाख टन हो गया। देश के कुल चीनी उत्पादन अनुमान को संशोधित कर विपणन वर्ष 2021-22 के लिए 3.33 करोड़ टन किया गया है, जिसमें एथेनॉल के लिए 34 लाख टन चीनी को खपाने की बात को ध्यान में भी रखा गया है। इस साल सितंबर के अंत तक देश के पास 68 लाख टन पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक होने का अनुमान भी है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।